हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल रेलवे ज्ञान में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि हम इसमें बात करेंगे रेलवे में वेटिंग लिस्ट के बारे में। वेटिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कुछ दिनों पहले अभी रिसेंटली एक ट्विटर कंपेन चला था जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, हमारे भाइयों ने ट्वीट किया और साथ दिया, लेकिन अभी तक रेलवे का ऑफिशियली जवाब नहीं आया है। तो मैं हमेशा रेलवे की वेटिंग के फेवर में हूँ। देखिए, जो भी भाई इसमें जैसे छोड़ के जाता था उसका कहीं और सिलेक्शन हो गया है, तो उसमें दूसरे को मौका, जो वेटिंग लिस्ट में डॉक्यूमेंट जिस जिनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं, मेडिकल हो चुका है, उन्हें मौका दिया जाता था कि आइए आप ज्वाइन करिए। तो अब से क्या है, इस बार RRC 2019 इसमें क्या किया है, इसमें आपकी वेटिंग हटा दी है। वेटिंग का मतलब ये है कि 1:1 रेशियो में स्टूडेंट्स लिए जाएंगे, यानी कि लिए जा रहे हैं, और जितना वैकेंसी हैं उतना का ही DV होगा और उनका ही मेडिकल हो गया उनका, और उनको फाइनल ज्वाइनिंग मिलेगी। और अगर जो वैकेंसी फिल नहीं हो पाती हैं तो दोबारा DV के लिए फिर कॉल आएंगे। यानी कि आप मुझे ये बताइए कमेंट करके, क्या वेटिंग लिस्ट आना या वेटिंग लिस्ट मानो के आ जाए, तो वेटिंग लिस्ट का आना या फिर सेकंड DV के लिए कट ऑफ, थर्ड DV के लिए कट ऑफ, फोर्थ DV के लिए कट ऑफ लगना, जो स्टूडेंट्स छोड़कर जाएंगे जॉब या उनका अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में हो चुका है, तो ये दोनों इक्वल हैं या बराबर हैं या फिर इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।